हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय यूट्यूब चैनल नेम इज ट्रेवलिंग पिंकी। आज मैं आपको सिखाऊंगी कैसे आप गूगल फॉर्म का ऐड कर सकते हो। पहले वीडियो में था जी कैसे आप रिएक्ट नेक्स्टजेस ऐप रैपिड को इंस्टॉल कर सकते थे, जो मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सिखा दी। आज मैं आपको सिखाऊंगी कैसे आप गूगल फॉर्म को ऐड कर सकते हो। मेरे राइट साइड में आप देख रहे हो कि गूगल फॉर्म मैंने खुद के अपने वेबसाइट में मैंने डाला था। मैंने वो डाउनलोड करके मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। और उससे पहले जो हम लोग जो इंस्टॉल करने के समय जो गूगल फॉर्म था वो मैंने मुझे ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया। आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हो, लेआउट में बाय डिफ़ॉल्ट ही एक गूगल लोकल फॉन्ट बोल के है, उसको जो मैंने डिलीट कर दिया। और बॉडी में जो क्लास नेम बोल के जो था वो भी मैंने डिलीट किया, क्योंकि उसको मैं उस वो फॉन्ट मुझे ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं अपना खुद का फॉन्ट ऐड करूँगी। तो इसके लिए मुझे कॉन्स लिखना पड़ेगा। फिर लिखने के बाद मैंने क्या किया, अपने लेफ्ट साइड में जो फॉन्ट फैमिली का नाम है मैंने उसको कॉपी कर लिया। बाद मेरा फर्स्ट जो वर्ड था पी, उसको मैंने पिक कर लिया। उसके बाद मैं कॉलन, फिर उसके बाद मैं टाइप कर रही हूँ लोकल फॉन्ट। फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट ब्रैकेट मतलब पेरेंथेसी और कर्ली ब्रैकेट टाइप किया। फिर उसके बाद मैंने सोर्स SRC सोर्स लिखा। फिर उसके बाद मैंने डॉट दिया। फिर उसके बाद मैंने सेमी कॉलन किया। फिर उसके बाद फिर से मैंने कर ली मैं कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने पाथ नाम लिखकर कॉमा देने के बाद फिर से मैंने स्टाइल लिखा। स्टाइल लिखने के बाद मैंने उसको कोटेशन में देकर नॉर्मल मैंने लिख लिया। उसके बाद मैंने डॉट हाइफ़न सॉरी स्लैश फॉन्ट्स जो गूगल फॉन्ट्स है वो मैंने किया। फिर स्लैश फिर जो मेरा मेन जो फोल्डर का नाम था मैंने उसको कॉपी करके पेस्ट में कर दिया फिर उसके बाद जो मेरा फॉन्ट फैमिली का नेम था उसको भी मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया फिर उसके बाद मैंने उसको फिर से कॉमा दे दिया। अब मैं क्या करूँगी, उसका मैंने कॉपी पेस्ट करके चार्टर मैंने बना लिया। अब चार्टर इसलिए क्योंकि वहाँ पे मेरा चार फॉन्ट फैमिली का नेम है, तो मैंने उसको एक एक करके कॉपी करके मैंने उसको अपने कोड में मैंने कॉपी पेस्ट करके मैंने वहाँ पे डाल दिया। उससे पहले ख़त्म कर लो फैन, तो उसके पहले मैंने मेरा जो ये जो फ़ोन मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। अब मैंने वेरिएबल लिया टाइप किया, ये जो डॉट ये जो मैंने वेरिएबल मैंने लिखा है वो ही मुझे ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने उसको सेम नाम से ही फ़ोन करके मैंने उसको वेरिएबल लिखा। अब इसका वेट मुझे चाहिए तो मैंने वेट भी टाइप किया। फिर मैंने डॉट देकर सेमी कॉलन देकर सॉरी कोटेशन के अंदर मैंने उसको कॉमा देकर हो गया। यही सेम प्रोसेस मुझे और दो बार यूज़ करना है तो मैंने वही किया। सेम चीज मैंने किया।
मेरा सारा फ़ॉन्ट फैमिली मैंने ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूँ, अपने जो बॉडी में था उसमें मुझे वो ऐड करना है, तो मैंने डॉलर दिया क्योंकि डॉलर देना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस लिया, फिर उसके बाद मेरा जो फर्स्ट वेरिएबल था, मैंने फर्स्ट मेरा फ़ॉन्ट का जो वेरिएबल था मैं उसको कॉपी करूँगी, तो मैंने वो चीज़ मैंने कॉपी कर लिया। फिर यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, फिर मैं डॉट देकर वेरिएबल लूँगी, जो वेरिएबल था जो उसका मतलब मेरा फर्स्ट फॉर्म का जो वेरिएबल था मैं उसको मैं कॉपी करूँगी, क्योंकि उसी के थ्रू से ही मुझे अपना फॉन्ट मैं यूज़ कर सकती हूँ अपने CSS में। तो मैंने वहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। सेम टेक्निक सेम चीज़, मैंने फिर से डॉलर लिया, फिर से मैंने कर्ली ब्रेसेस लिया, फिर से मेरा सेकेंड फॉन्ट फैमिली मैंने यूज़ किया, मैंने उसको पेस्ट किया, डॉट दिया, मैं फिर से मैंने इसका वेरिएबल मैं कॉपी कर रही हूँ, मैं सेम टेक्निक मैं फिर से यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसको सेव कर लिया, मेरा जो थ्री फॉन्ट गूगल फॉन्ट था मैंने उसको कर लिया ऐड। अब मैंने क्या किया, राइट क्लिक करके मैंने अपना न्यू टर्मिनल ओपन कर दिया। अब मैंने वीडियो में मैं आप देख ही सकते हो। अब मैं रिएक्ट नेक्स्ट जेएस को करने के लिए स्टार्ट करने के लिए मैंने npm स्टार्ट लिखा है, जो मैंने टाइप किया। अब मैंने वो मेरा गूगल जो गूगल फॉन्ट है वो दिखाई दे कि नहीं रहा, मैंने क्रोम में वो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हो मेरे मैंने जब इंस्पेक्ट किया, अब मेरा जो तीनों गूगल फॉन्ट था मैं वहाँ पे मैंने मेरा दिखाई दे रहा। अब मैं इसको कैसे सैस और CSS में मैं ऐड करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपना मेरा जो गूगल था उसमें मैंने फॉन्ट डॉट सैस मैंने लिखा। फिर उसके बाद मैंने मेरा जो गूगल डॉट सैस था जो मेरे हर वेबसाइट में यूज़ होगा, मैंने उससे से सारा का चीज़ जो था मैंने उसको कट करके मैंने स्टाइल डॉट CSS में मैंने वो ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मेरा जो फॉन्ट डॉट सेस था मुझे वो यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं ऐड करने से पहले मैं इसको डिफाइन कर लेती हूँ कि ये जो गूगल्स फॉन्ट है, फोल्डर है, गूगल्स फोल्डर है, ये मुझे चाहिए मेरे हर वेबसाइट में। अब मैं इसको ऐड कर दूँ, मैं कैसे करूँगी, इनपुट से मैं इसको कॉल करूँगी। तो मैंने इनपुट किया, फिर उसके बाद कोटेशन में मेरा जो फोल्डर का नाम था मैंने वो किया। आप देख ही पा रहे हो मेरा डॉट वो आ गया। मैं फिर उसके बाद मेरे फॉन्ट साइज में मैंने जाकर H1 करके कर्ली कोटेशन में जाकर मैंने अपना फॉन्ट फैमिली किया, टाइप किया मैंने और वेरिएबल देकर मैंने उसको कॉल कर दिया। सेव करके मैंने उसका फॉन्ट साइज भी मैंने दे दिया 50 pixels। अब मैंने अपना क्रोम ओपन करके मैंने आपको दिखा देती हूँ क्योंकि मेरा ये चीज हो गया। अब मैं इसको जब क्लिक किया तो मेरा ये वाला फॉन्ट मेरा जो बॉडी में जो फॉन्ट है वहाँ पे हिट कर रहा। तो आपको पता लग गया कि इस वीडियो में कैसे मैंने एंड वही फॉन्ट
फैमिली में कैसे मैंने सैस और सीसेस में वेरिएबल के थ्रू सीएसएस किया। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे, तो लाइक सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कैसे आप मटेरियल के थ्रू हेडर एंड एरे मैपिंग कर सकते हो। बाय बाय, गुड नाइट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। माय चैनल नेम इज़ डाजलिंग पिंकी। थैंक यू। मैंने क्लिक किया तो मेरा ये वाला फॉन्ट, मेरा जो बॉडी में जो फॉन्ट है वहाँ पे हिट कर रहा। तो आपको पता लग गया कि इस वीडियो में कैसे मैंने गूगल फॉन्ट ऐड किया और मैंने डाउनलोड करके ऐड किया, एंड वही फॉन्ट फैमिली में कैसे मैंने सैस और सीसेस में वेरिएबल के थ्रू वो कोट किया, सीएसएस किया। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे, तो लाइक सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कैसे आप मटेरियल के थ्रू हेडर एंड एरे मैपिंग कर सकते हो। बाय बाय, गुड नाइट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। माय चैनल नेम इज़ डाजलिंग पिंकी। थैंक यू।